जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर दोस्तों आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और काम करना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में सिविलियन पोस्ट के अनुसार, यानी कि सिविलियन रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है, काम करना होगा दोस्तों आपको इंडिया की काफी सारी स्टेट में, इंक्लूडिंग दिल्ली में भी रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है। तो आज की वीडियो में दोस्तों समझेंगे आपको अप्लाई कैसे करना, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, कहां पे आपकी पोस्ट होंगी, सारी बातें इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है कानपुर, चंडीगढ़, तमिलनाडु, दिल्ली, इलाहाबाद, हरियाणा। वेरियस पोस्ट आउट हुई है। पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, कुक की वैकेंसी है, मैस स्टाफ, एमटीएस, स्टेनो स्कैडर, स्टोर कीपर, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी आउट हुई है। देखिए दोस्तों ये जो वेरियस पोस्ट आउट हुई है ये वेरियस जगह पे आउट हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली में है, इलाहाबाद में, हरियाणा में है, तमिलनाडु में है, चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट, जैसे कि आपकी बाइफरकेशन एडवर्टाइजमेंट में काफी अच्छे से मेंशन है, अलग जगह पे अलग पोस्ट आउट हुई है। तो वेरियस पोस्ट के तौर पे एलडीसी, स्टोर कीपर, एमटीएस काफी टाइप की पोस्ट हैं। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं 10वीं पास के कैंडिडेट के लिए कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई है। 10th पास के लिए कुक की है, मैस की है, एमटीएस की है, स्टोर कीपर की है, और 12th पास के लिए दोस्तों एलडीसी, स्टेनोग्राफर की है। तो ये पोस्ट आउट हुई है। इसमें दोस्तों आपको बता दूं एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल आपको सारे एज रिलैक्सेशन मिलते हैं, जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों सैलरी की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर और एलडीसी के लिए लेवल 2 के अगेंस्ट सैलरी मिलेगी, और बाकी सभी पोस्टों के लिए जो 10th पास किए हैं उनमें लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, जो कि लगते ही 20 से 25 आपकी सैलरी बनेगी और हर साल इंक्रीमेंट के तौर पे बढ़ती चली जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करते हैं अप्लाई कैसे करना, ये चीज अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पहले उसका प्रिंट आउट निकालना, उसके साथ हमने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी सर्टिफिकेट्स सारे लगा के एक सेल्फ एड्रेस एनवलप लगाना है और 10 रुपए की पोस्टल स्टैंप लगानी है, और उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको एक लिफाफे में पैक करना है, उस लिफाफे के ऊपर मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसके आगे लिखना है अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022/DR, ये जरूर मेंशन कर देना दोस्तों, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों लास्ट डेट रहने वाली है 2 अगस्त 2022। जिस एड्रेस पे आपको सेंड करने हैं, अब वो अच्छी तरीके से समझ लेना दोस्तों। सपोज करो आप पर्टिकुलरली एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट मेंशन देखना पड़ेगा कि एलडीसी की पोस्ट कहां पे आउट हुई है, आपको देखना पड़ेगा कि भाई दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, या फिर किसी और जगह पे है। तो जिस भी जगह पे वो एलडीसी की पोस्ट आउट हुई है आपको उस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड करना होगा। सारे एड्रेस की बाइफरकेशन एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, आपका रीड आउट करना काफी अनिवार्य हो जाएगा दोस्तों एडवर्टाइजमेंट। तो वीडियो कैसी लगी आपको मेरे सामने जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।